Welcome back. Now, as we told you before the break, there's been a massive fire in Rajkot in Gujarat. This fire has broken out in a Rajkot mall, specifically at the game zone. And we understand that 22 people have been killed in this tragic accident here. Several children, unfortunately, have been feared because remember, this broke out in a game zone. And that is, of course, one of the areas which is most frequently frequented by children. Search operations are underway, but as you can see on your screens, it's a raging inferno. The owner of the game zone has been arrested, but we'll keep a focus on the visuals of that fire for now. The cause of that fire is still not ascertained at this point here. चौकस अभी आग नहीं मिला है, मैं भी ऊपर कामगिरी में था। ये किस प्रकार का रेस्क्यू था इससे पहले राजकोट में? आग भी था राजकोट में, ये पहला बना हुआ है, ऐसा कभी रेस्क्यू नहीं हुआ था। कितना लोगों ने अंदर से बाहर कर दिया? अभी कितने हो गिनती नहीं, मैं ये साइड था वो साइड, दोनों साइड से बॉडी नीचे उतार रहे थे। राजकोट में बहुत दुखद घटना घटी हुई है। राजकोट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ये गेम जोन में आज आग लगने की वजह से आज बहुत गंभीर लोगों की बच्चों की जान गंवाई है और अभी फायर ब्रिगेड की टीम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सके, इस तरह की कार्यवाही चल रही है। जिस लोगों ने ये घटना घटे उसमें जो भी उन्होंने बेदरकारी दिखाई है उसके सामने सरकार जरूर योग्य निर्णय लेके उसके सामने जरूर से कार्यवाही करेंगी। Let's go across to my colleague Hiten joining us with more developments. Hiten, it's obvious seeing these visuals that it was a massive fire which has happened here and the casualties could be for a lot more. It's already 22. Could there be more? What are you getting the latest at this point? बिल्कुल, देखिए आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त 22 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि 22 लोगों की मौत जो है उसमें हुई है, जिसमें अधिकतर बच्चे हैं। और इस घटना को देखते हुए 5 साल पहले जब सूरत में एक तक्षशिला कांड हुआ था, आपको याद होगा, एक क्लासेस में आग लगी थी जिसमें बच्चे अपने आप को बचाने के लिए 4th फ्लोर से नीचे कूद रहे थे, उस वक्त भी 22 लोगों की मौत हुई थी। कुछ उसी तक अब तक ये आंकड़ा जो है वो पहुंचा हुआ है। 5 साल बाद फिर से एक बड़ी घटना, उस 5 साल के पीरियड में मोरबी वाला हादसा हो या फिर बड़ोड़ा में बोट वाला हादसा हो, ऐसे ही बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है अब तक इस पूरे मामले में सीरियस होती नजर नहीं आ रही है। बच्चे जान गंवा रहे लेकिन लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरीके से काम करना चाहिए वो होता नजर नहीं आ रहा है। इस मॉल वाली घटना में भी यही बताया जा रहा है कि आंकड़ा लगभग 24-25 से ऊपर जा सकता है, क्योंकि 50-60 से ज्यादा लोग जब आग लगी तब उस गेम जोन के अंदर फंसे हुए थे। टीआरपी मॉल के परिसर में ये गेम जोन बना हुआ है। बताया जा रहा है कि लकड़े का ये गेम जोन जो पूरा का पूरा बना हुआ था, जिसके चलते जब आग लगी तब वो पूरा का पूरा गेम जोन जो वो जल के राख हो गया और उसकी लगते करीब 5 किलोमीटर दूर तक भी थी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इसके बाद अब सबसे बड़ा टास्क ये है फायर डिपार्टमेंट के सामने की जो अंदर लोग फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकालना। हालांकि जिस तरीके से रेस्क्यू जिस स्पीड से चल रहा है, अब तक 22 लोगों की डेड बॉडी जो है वो बाहर निकाल चुके हैं। कुछ लोगों को स्टर्लिंग हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, स्टर्लिंग और वकार, ये दो हॉस्पिटल में कुछ लोगों को एडमिट करवाया गया। मुख्यमंत्री खुद पल पल की जानकारी राजकोट एडमिनिस्ट्रेशन से ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है, जिस तरीके से इसके बाद एक डेड बॉडी बाहर निकल रही है, हो सकता है कि ये आंकड़ा और भी बढ़े, 24-25 तक ये जा सकता है आंकड़ा। फिलहाल जो प्रायोरिटी है फायर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की वो है रेस्क्यू को कंप्लीट करना। रेस्क्यू कंप्लीट होगा उसके बाद ही ये जांच की जाएगी कि आखिरकार आग लगी किस वजह से और इतनी बड़ी पैमाने में आग फैली कैसे। दूसरी बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ा अपडेट अब तक ये है कि जो गेम जोन का ओनर था उसे अब तक राजकोट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 लोगों को कुल गिरफ्तार किया है, दोनों पार्टनर्स थे। हालांकि उनकी जानकारी भी अब तक निकल सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि दोनों को डिटेन कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है और इस पूरे के पूरे फायर में जो भी फाइनल फिगर निकल कर आएगा उनकी मौत का जिम्मेदार इन दोनों ऑनर्स को ही बनाया जाएगा।
इतन, ये तो तय है कि बहुत सारी लापरवाही हुई है जिसके वजह से इतनी बड़ी आग इस एक्सटेंट तक आग लगी है, बट सबसे पहले वो तो बात की बात है, पहले ये बताइए कि आपके जो सूत्रों के अनुसार क्या बोल रही है पुलिस के, और कितने लोगों की और फंसे रहने की आशंका है? अब बिल्कुल देखिए, 30 से ज्यादा लोगों को अब तक निकाला गया है, 30-35 लोगों को अब तक निकाला गया है, तो 15-20 लोग और फंसे हुए हो सकते हैं, क्योंकि जब आग लगी उस वक्त जो लोग बचकर बाहर निकले उनका ये कहना था कि 50-60 से ज्यादा लोग जो है वो अंदर फंसे हुए, तो टोटल फिगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी नहीं था कि आखिरकार कितने लोग वहां फंसे हुए, जो बचे थे okay. जो बच गए थे आग में, वो बाहर। हितेन, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, और ये अपडेट्स लाने के लिए धन्यवाद। वी विल कम बैक टू यू एट द टॉप ऑफ 9 PM एंड टू ट्रैक मोर डेवलपमेंट्स एज वेल ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग स्टोरी फॉर टुनाइट एंड फॉर टुमारो मॉर्निंग एज वेल, बट फॉर नाउ वी हेड इनटू अ शॉर्ट ब्रेक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।